नमस्कार। आज 27 अक्टूबर वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डे। बहुत बहुत बधाई हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को। पर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन हैं, क्या करते हैं ये लोग? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक 4.5 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, जिसे कि हम बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। और ये हिंदुस्तान में लगभग 50 कॉलेजेस हैं, सरकारी और गैर सरकारी मिला के, जहाँ से कि ये कोर्स किया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, PhD भी है। क्या करते हैं ये लोग? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शब्द ऑक्यूपेशन से आया है। ऑक्यूपेशन मीन्स समथिंग विच कीप्स अस ऑक्यूपाइड। तो बच्चों के क्षेत्र में क्या होगा? खेल खेल में लोग बच्चे ऑक्यूपाइड रहते हैं। अडल्ट्स में क्या होगा? काम करते हैं लोग, और क्या करते हैं? और लीजर एक्टिविटी करते हैं, समाज में मिलते घुलते हैं। तो ये उनका ऑक्यूपेशन हो गया अडल्ट्स का। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या वयस्क बुजुर्गों में क्या हो गया? वो काम जो वो कर पाते थे और अभी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके मोटर स्किल्स कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उनके सेंसरी स्किल्स जैसे कि देखना सुनना, वेस्टिबुलर कैपेबिलिटीज वगैरह कम हो गए हैं। तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ऐसा कुछ काम करता है जो कि क्रिएटिव होता है, जो कि इनोवेटिव होता है, जिसके चलते छोटे बच्चे बेहतर खेल सकें। बच्चों का खेल नहीं है। खेलने के लिए ज़रूरी होता है कि जो संवेदनाएं मेरे अंदर आ रही हैं, चाहे वो विजुअल इनपुट हो, ऑडिटरी इनपुट हो, टैक्टाइल इनपुट हो, वेस्टिबुलर इनपुट हो, या जॉइंट सेंसेशन प्रोप्रिएसिप्टिव इनपुट हो, ये सही तरीके से संश्लेषित हो या इंटीग्रेट हो या प्रोसेस हो मुझसे। तभी तो मैं अगर एक बॉल पकड़ा फेंकू अगर तो सीधा तभी फेंक सकता हूँ जब मेरा हाथ प्रोप्रिएसिप्टिव इनपुट, टैक्टाइल इनपुट, विजुअल इनपुट और अटेंशन साथ में एक ही जगह हो, तभी मैं फेंक सकता हूँ। कई बच्चे होते हैं, चाहे वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हों, चाहे वो डेफब्लाइंडनेस हो, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी हो, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, इन सभी बच्चों में ये कैपेबिलिटी, सेंसरी इंटीग्रेशन, इमोशनल वेलबींग और इमोशनल इंटीग्रेशन और साथ ही साथ मोटर इंटीग्रेशन, इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है। तो एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट लगभग इन सभी चीज़ों को एड्रेस करता है बच्चों में। न्यूनेटल इन्फेंट केयर यूनिट में भी अगर हाई रिस्क बच्चे हुए तो ये सारे के सारे सेंसरी इंटीग्रेशन करता है एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। वैसे ही अडल्ट बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए मैं सब कुछ ठीक ठाक के जाता हूँ, एक रोड एक्सीडेंट हो गया या एक स्ट्रोक हो गया या एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया, तो कई एक कैपेबिलिटीज खो जाएंगे मेरे। सिंपल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी कि सुबह उठना, शौच के लिए जाना, ब्रश करना, खाना खाना खुद ब खुद, बटन लगाना खुद ब खुद, इसको यूं सीधा करना भी, दोनों हाथ मेरे सही होने चाहिए, इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, प्रिहेंशन स्किल्स सही होना चाहिए, ये खराब हो जाएगा। तो एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्या करता है कि तरह तरह के मेथड्स यूज़ करता ताकि ये सारे के सारे कैपेबिलिटीज़ वापस आ सकें उस अडल्ट में। वैसे ही जीरियाट्रिक इंडिविजुअल लॉन्जिविटी बढ़ता जा रहा है और लगभग हर किसी को हियरिंग लॉस होगा, विजुअल कैपेबिलिटीज़ कम होंगे, बैलेंस का तकलीफ होगा। तो जो काम हम पहले करते थे वो एक वयस्क व्यक्ति हो सकता है नहीं कर पाए। तो एक वयस्क व्यक्ति को अपने कैपेबिलिटीज़ रिटेन करना और नए स्किल्स सीखना, ये भी एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वूम टू टूम सारे के सारे एक पूरे रेंज के कैपेबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट करता है। और आज का दिन उनका है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू हैप्पी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट डे।